नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस में 150 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी कि माइनस में 150 है कि नहीं है। तो हम लोग जो है अगर पता करना हो कि इस श्रेणी में मैंने इस श्रेणी को बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं तो क्या यह जो है इस श्रेणी में 150 माइनस में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हम लोग जो है इसको ज्ञात करेंगे, मान लेंगे कि यनवा पद इसका जो है 150। अब देखिए यन का मान जो है, अगर यन का मान अगर हमको पूर्णांक में मिल गया तो समझिए कि इसमें जो है कहीं ना कहीं 150 है। अगर पूर्णांक में नहीं मिला तो समझ लीजिए कि 150 इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसको चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे और हल में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना यनवा पद क्या है। यनवा पद माइनस में 150 है, हम लोग मान लेते हैं। तो देखते हैं कि है कि नहीं है। अब हम लोग माने हैं कि यनवा पद 150 माइनस में है, तो हम लोग लिखेंगे ए यनवा पद बराबर होता क्या है, तो ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यनवा पद हम लोग ज्ञात किए हैं कि 150 है माइनस में, तो यहाँ पे 150 माइनस में ले लेना है बराबर। अब यहाँ पे देखिए ए के जगह पे 11 ले सकते हैं, प्रथम पद 11 प्लस में यनवा पद हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, यन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ये पूर्णांक में आता है तो है, और नहीं आता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब डी का मान क्या हो जाएगा, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो 11 में से 8 घटा देंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो 11 में से 8 जा 3, यानी कि चिन्ह माइनस का रहेगा। क्योंकि देखिए डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालने के लिए अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, तो अगला पद है 8 माइनस में 11, तो 11 में 60 घटाएंगे चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस में 3 हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये हो गया माइनस में 3। अब माइनस में 150 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11 प्लस में ये जो है इसका चाहे तो हम लोग गुणा करा दें, नहीं तो गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही रहने दीजिए। और इसको जो है हम लोग यन माइनस वन लिख देते हैं, आइए गुणा में है तो इधर ला दीजिए। ठीक है, तो इधर ला देंगे अगर हम लोग, नहीं इधर तो अभी नहीं ला सकते हैं ना, इधर अभी नहीं ला सकते हैं, अभी इसको पक्षांतर करेंगे। तो माइनस 11 को इधर लाएंगे, तो माइनस में 150 और माइनस में 11 बराबर माइनस में 3 तो रहोगा करेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यन माइनस वन माइनस में 3। ठीक है, और फिर ये भी जो है माइनस में हो गया, ये भी माइनस में, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 161, एक हो जाएगा 161 माइनस में, इधर हो जाएगा यन माइनस वन इंटू माइनस में 3। अब माइनस 3 को इधर लाएंगे तो ये जो है, अब देखिए माइनस से माइनस काट सकते हैं और 3 इधर आ जाएगा, तो 161 बटे में 3 बराबर क्या हो जाएगा यन माइनस वन। अब 3 से कटेगा नहीं कटेगा, एक को भी इधर ला देते हैं, तो 161 बटे 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में एक हो जाएगा बराबर एन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 एकनम 3, 3 में 161 में अब 3 जोड़ देंगे, 3 एकनम 3 161 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 164 बटे में 3 बराबर क्या है एन। अब देखिए पूरा कट जाता तो ठीक है, नहीं करता है तो समझ लीजिए कि भाई ठीक है। ठीक है, तो 3 पचे 15 एक आ जाएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, हैं अब एक शेष बच गया, तो सब मिला के जो है 54 सही 1/3 आ रहा है। तो यन का मान ऐसा हो ही नहीं सकता है, यन का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांकों में होनी चाहिए, जबकि ये जो है अपूर्णांक आ रहा है, पूरा नहीं कटा इसका मतलब अपूर्णांक है, तो यन का मान अपूर्णांक है। यहाँ पर लिखेंगे यन का मान अपूर्णांक है अतः इस श्रेणी में
माइनस में 150 नहीं है, नहीं है, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बी, इसका बी है श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल में सबसे पहले इस श्रेणी से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो इस श्रेणी से ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए का मान जो है 76 है, तो यहाँ पर 76 ले लेंगे। डी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, 72 में से 76 माइनस कर दीजिए, तो 72 में से अगर 76 घटा देते हैं यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, तो 76 में से 72 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4। तो ये पता चल गया, डी पता चल गया। अब हम लोग जो है, अब मान लेते हैं कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं कि ए अनवा पद बराबर है शून्य के, मान लेते हैं माना है कि अनवा पद शून्य है। ठीक है, तो अब हम लोग ए अनवा पद बराबर 0 ले लेंगे। अब ए एन बराबर होता क्या है, तो ए एन बराबर हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी होता है, इधर बराबर 0 है तो 0 कर देंगे। अब ए का मान भर देंगे, ए का मान यहाँ पे 76 है तो 76 प्लस में एन का मान पता नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। डी का मान माइनस में 4 है तो माइनस में 4 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब 76 को इधर लाएंगे तो एन माइनस 1 माइनस में है 4, माइनस में ये 4 रहेगा ही, बराबर इधर आएगा तो माइनस में 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा माइनस में। अब फिर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 4 को इधर ला सकते हैं, तो एक्स माइनस 1 एन माइनस 1, एन माइनस 1 बराबर इधर लिख सकते हैं माइनस में 76 बट्टे में माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से कटेगा, 4 उन्नीस को 76 होता है, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 एन माइनस 1 बराबर 19, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 19 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 20। तो एन का मान जो है कितना हो गया, एन का मान जो है कितना हो गया 20, यानी कि एनवा पद जो इसका 20 होगा। एनवा पद कितना होगा, एनवा पद इसका मान 20वां पद शून्य होगा, इसका इस श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा, इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, तो शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इसका 20वां पद शून्य होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सी देखते ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में जो है देखिए, प्रथम पद जो है सबसे पहले हम लोग पहले जो दिया है 4 लिख लेंगे, इसका डी निकाल लेंगे, डी इसका जो है 9 में से 4 घटा के निकालेंगे, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, इसका डी निकल गया। अब हम लोग को जो है मान लेते हैं कि ये अनवा पद 104 है, हम लोग मान लेते हैं कि ये अनवा पद जो है क्या है 104 है, ये मान लेते हैं माना। ठीक है, मान लिए 104 है अनवा पद। अब जो हम लोग जानते हैं कि अनवा बराबर होता क्या है, तो अनवा बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, अब बराबर 104 इधर लिख देंगे। ठीक, समीकरण बना देंगे। अब ए का मान जो है हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए हैं श्रेणी से जो है 4 है, आई एन का मान पता नहीं है, और डी का मान जो है कितना है तो 5 है, बराबर क्या कर देंगे 104 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो एन माइनस 1 इंटू जो है 5 बराबर 104 में से जो है माइनस 4 कर देंगे, तो ये जो है कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 5 है। अब जो है 5 को इधर लाएंगे तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 100 बटे 5, 5 विषम 100 20 हो गया। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, 20 हो गया। अब जो है n माइनस 1 बराबर 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस 1 बराबर 19, तो n का मान कितना हो गया 19, ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा 19वां पद होगा, यानी कि 19वां पद 104 होगा, इसका 19वां पद 104 होगा, 19वां पद जो है 104 होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये जो सभी सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।